हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखिए, चैप्टर को अच्छी तरह समझिए। ऑल्सो ये वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि फूड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही नेसेसरी है। जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल लगता है, उसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए फूड लगता है। फूड इज फ्यूल फॉर द बॉडी। फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है दिन भर के सारे टास्क करने के लिए। हम ये भी जानते हैं कि हमारे फूड के दो मेन सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि राइस, पल्सेस, व्हीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। और एग्स, मिल्क, मीट, फिशेस और चिकन, ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। रिमेम्बर, हमने क्लास 6 में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि दोनों ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि प्लांट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स का फूड कहाँ से आता है? क्या वो भी किसी और पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? चलिए देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड? द आंसर इज नो। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, आज आप राइस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राइस ग्रेन्स और वाटर चाहिए। सिमिलरली प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए और तीन रॉ मटेरियल्स चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो चलिए, हम ये तो समझ गए कि प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। सो न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है। इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरह से हम खाना खाते हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट। सो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। अब देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। द वर्ड हेट्रो का मतलब है अदर्स और ट्रोफोस का मतलब है नरिशमेंट। सो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स। अब आप कहेंगे कि हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हम अपना खाना कुक करते हैं, बनाते नहीं हैं। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या आटा, चावल, सब कुछ, ये सारी चीजें हम कहीं और से लेते हैं। हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ये सारी चीजें मिलती हैं और उसके बाद हम अपना खाना किचन में बनाते हैं। पर प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स किसी और पर डिपेंड नहीं करते अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है प्लांट्स। सो
हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स, यानी हम भी हेटरोट्रॉफ्स हैं। सो एग्जांपल्स हो गए ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी। सो हम ये बात समझ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें समझते हैं, जैसे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, प्लांट्स के किस पार्ट में ये खाना बनाया जाता है, ऑल्सो प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं, तो आंसर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन था कि प्लांट्स के किस पार्ट में खाना बनाया जाता है। तो जिस तरह से हम अपना खाना अपने किचन में बनाते हैं, उसी तरह से प्लांट्स अपना खाना अपनी लीव्स में बनाते हैं। प्लांट्स की लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट फूड बनाने के लिए। तो देखते हैं प्लांट्स को ये सारे रॉ मटेरियल्स मिलते कहाँ से हैं। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से। आप सबको पता है कि हमारी एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से, और प्लांट्स को वाटर मिलता है सॉइल से। सिमिलरली मिनरल्स भी मिलते हैं सॉइल से। तो जब भी आप लोग अपने किचन में खाना बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सारे रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं, किचन में ले जाते हैं और वहां जाके खाना बनाते हैं, राइट? इसी तरह से हमें पता है कि प्लांट्स के रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, और प्लांट्स का खाना बनता है उनके किचन में, यानी लीव्स में। तो प्लांट्स भी अपने सारे रॉ मटेरियल्स को लीव्स तक ले जाते हैं और वहां जाके फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं, और कैसे वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। तो प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, न्यूमरस पोर्स। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो हैं, वो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये स्टोमेटा है, एंड दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो इन स्टोमेटा की मदद से जो लीव्स के सरफेस पे होते हैं, प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। वाटर और मिनरल्स जाइलम और फ्लोएम वेसल्स की मदद से सॉइल से लीव्स तक पहुंचते हैं। जाइलम और फ्लोएम वेसल्स एक पाइप की तरह होते हैं जो पूरे रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस और लीव्स में होते हैं। इन पाइप्स के थ्रू ये पानी और मिनरल्स सॉइल से लीव्स तक पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में एक और बात जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होती है। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस पिगमेंट की मदद से लीव्स सनलाइट को कैप्चर कर पाती हैं। यही रीजंस है कि ह्यूमन बीइंग्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते जैसे प्लांट्स कर पाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल एकमात्र ऐसा कॉम्पोनेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, या ये कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हम क्या खाएंगे। तो चलिए फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को इस डायग्राम में फिर से देखते हैं।
लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए। लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा टाइनी पोर्स जो हैं लीव्स को हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करने के लिए। सिमिलरली जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को इस इक्वेशन से समझा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही रिलीज होती है और इस प्रोसेस में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सो इसी के साथ हमारा पार्ट वन खत्म होता है। पार्ट टू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट चैप्टर को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।